पूरे हरियाणा में 114 मंडियों में सरसों की खरीद आज से शुरू हो गई है और सरकारी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रुपए प्रति क्विंटल सरसों खरीदी जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त हम हिसार की अनाज मंडी में है जहां सरसों जो है आनी शुरू हो गई है। हालांकि शुरुआती दौर में सरसों की आवक बेहद कम है क्योंकि कंडीशन लगाई गई है 8% से नमी अगर ज्यादा पाई जाती है तो वो सरसों है सरकार नहीं खरीदेगी। फिलहाल एक किसान है हमारे साथ, है अब बात करेंगे। आप सरसों बेचने आए हो जी, आज से शुरू हो गई, बिक गई सरसों? नहीं जी, अभी लेके आए, आज शुरू हुई है सरकारी वाली। तो आपने क्या रजिस्ट्रेशन करवाया था सरकारी? नहीं नहीं करवाया। तो अभी क्या आपको मिल गया टोकन नंबर या आने वाले? टोकन नंबर मिल गया जी। अच्छा, तो अब खरीदने आपकी तोल हो गई सरसों की? अभी चल रहा है काम, उसके बाद में कोई बोली लगेगी। तो क्या भाव मिल रहा है? ठीक भाव मिल रहा है? सरकारी 5447 है और देखो प्राइवेट क्या बिकती है। तो अभी देख रहे हैं, जो ज्यादा बिकेगी उसी को दे देंगे। तो बिल्कुल सरसों का फिलहाल जो है, फिलहाल अभी पिछले सप्ताह की बात है, जो सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम चल रहा था, लेकिन आज से जो सरकारी खरीद शुरू हुई है उसमें कहीं ना कहीं किसानों को जो है अब कुछ फायदा होने वाला है। हो सकता है प्राइवेट जो डिस्ट्रीब्यूटर है, प्राइवेट खरीददार है, निजी व्यापारी है, वो कहीं ना कहीं अगर इससे ज्यादा भाव देते हैं तो किसानों की जो है प्रेफरेंस चाहेगी निजी व्यापारियों को बेचने की बजाय कि सरकारी एजेंसी या हैफड़ में बेचने की। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, फिलहाल अभी मंडी में जो है आवक बेहद कम है, लेकिन आने वाले सप्ताह में जो है आवक शुरू हो जाएगी क्योंकि जिन किसानों ने अभी सरसों निकाली है उसमें नमी की मात्रा है जिसे सुखाकर ही हैफड़ खरीदारी करेगा। कुलदीप सिंह, खबरें अभी तक हिसार।